नमस्ते, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। पिछले कुछ दिनों में हमारी राजधानी दिल्ली की एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। सुदर्शन न्यूज, जो अपने प्लेटफॉर्म पर झूठी एवं सांप्रदायिक खबरें चलाने के लिए जाना जाता है, इसने एक और बार ऐसा ही दावा करते हुए ये वीडियो चलाया है। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग अवंतिका सी ब्लॉक में उपस्थित हैं। हमें सूचना मिली कि एक बिल्डिंग पे यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख के बिल्डिंग पे चिपका रखा था, और ये बिल्डिंग है। सूचना मिलते हमारी पूरी टीम आ गई है यहाँ पे, और ऊपर के आप हालात देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकवादी गतिविधि है। देखिए, पूरी बिल्डिंग पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हुए थे, लॉन्ग लिव पाकिस्तान लिखा हुआ था। और ये देखिए ये देखिए लॉन्ग लिव पाकिस्तान, और ईसाइयों का फिरंगी बोलबाला। जंग है काफिरों से, अब दो नहीं एक ही जाति रहेगी, काफिर या हम, इसका फैसला तलवार करेगी। जब भूचाल की आमद होती है तो सबसे पहले कुत्तों के कान खड़े होते हैं। ऐसी जंग जो इतिहास बनेगी, दूध पीता भी काट दिया जाएगा, जब तक तलवार अपनी प्यास तक ना बुझाने मैदान में नहीं लौटेगी। इन सालों को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। ये देखिए, मैं आपको स्थिति दिखा दूं। ये मुझे लग रहा है कि किसी स्लीपर सेल का है और ये बैठा है अंदर। अगर ये पागल है तो पागल खाने में जाना चाहिए, बल्कि फ्लैश मार रही है। ये पागल है तो पागल खाने में जाना चाहिए, समाज के लिए खतरा है। ये देखिए, पुलिस इसको क्यों छोड़े बैठी है? आप ये हिंदुस्तान में रहकर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख रहे हैं भाई? तो पाकिस्तान से प्यार, तो पाकिस्तान जा। अरे अभी तो बोलेंगे। सुदर्शन न्यूज ने कैप्शन में बताया है कि पोस्टर में पाकिस्तान समर्थक नारे लिखने वाला ये व्यक्ति जिहादी है, यानी कि मुस्लिम समुदाय का है। देखते ही देखते ये क्लिप कई यूजर्स शेयर करने लगे और नारे लिखने वाले शख्स के मुस्लिम होने का दावा करने लगे। बहरहाल, सुदर्शन न्यूज के कथित दावे को लेकर ऑल्ट न्यूज ने तफ्तीश शुरू की। हमें पत्रकार सचिन गुप्ता का ये ट्वीट मिला, जिसमें आरोपी के मुस्लिम होने के दावे को खारिज किया गया है और आरोपी के कदाचित मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात भी सामने रखी गई है। हमें एबीपी न्यूज की रिपोर्ट मिली, जिसमें बोर्ड पर नारे लिखने वाले शख्स का नाम यशवंत सिंह बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये शख्स फ्लैट में अकेला रहता है और मानसिक रूप से बीमार है। वहीं एक और रिपोर्ट में पुलिस ने भी ये बात साफ की कि घटना में आरोपी मुस्लिम समुदाय से नहीं है। ऑल्ट न्यूज ने खुद भी पुलिस से इस मामले में बात करी है। उन्होंने हमें बताया है कि आरोपी ईसाई धर्म से है और मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सुदर्शन न्यूज ने सच्चाई जाने बगैर सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर ही खबर पब्लिश कर दी और सांप्रदायिक एंगल दे दिया। ऐसी ही और झूठी जानकारियों की सच्चाई जानने के लिए देखते रहें ऑल्ट न्यूज। धन्यवाद।